मोह दुखों का आधार है। मोह को आराम से, मोह को दूसरे शब्दों में अज्ञान कहते हैं, मोह को अंधकार कहते हैं, मोह को निशा कहते हैं, मोह को रात्रि कहते हैं। जीवन में जो मिला है कभी छूटता नहीं है, यही अज्ञान है, और जिसको छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती वही ज्ञान है। और ठीक से सुनिए, और होशियार वह लोग हैं जिनको छोड़ने का अभ्यास है। आदमी की राम नाम सत्य हो जाएगी, ऑक्सीजन लेता ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा नहीं, तो खाता ही रहेगा, निष्कासित नहीं करेगा, तो खाएगा तो मलमूत्र का विसर्जन भी करना पड़ेगा। और हमारी संस्कृति में ग्रहण की जितनी उपयोगिता है, छोड़ने की भी उतनी ही उपयोगिता है। जो लेना ही जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते, यह अज्ञान और ज्ञान की परिभाषा है। और छोड़ना पड़ेगा, 3 दिन मलमूत्र विसर्जन के लिए ना जाएं तो क्या होगा, बीमारी नहीं होगा, दुनिया छोड़ के उसे जाना पड़ेगा। जिन्होंने जीवन में प्राप्त ही किया है और छोड़ने की उन्हें आदत नहीं है, वो बिना मार के, बिना मौत के मौत को प्राप्त होते हैं। मोह मीन्स क्या है, जिनसे छूटता नहीं, छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बच्चे सजग हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, धीमे धीमे उससे बाहर आइए। तुमने अपने पिताजी की सब व्यवस्थाएं संभाली थी, उसको संभालने का एक टाइम था, पापा रिटायरमेंट हुए थे, अब आपका समय आ गया है वह छोड़ने का। जवाबदारी बच्चों को दीजिए। पहले के राजे महाराजे उम्र ढली नहीं के वन में गए नहीं, वो आत्मज्ञान के लिए वन में जाते थे। आत्मज्ञान किसे कहते हैं, आज की परिभाषा में समझोगे, जीवात्मा और परमात्मा की सही जानकारी हो जाए वही आत्मज्ञान है। अपनी आत्मा में रमण करें वही आत्मज्ञान है। हमारे पास जो है उसी में हम संतुष्ट रहें वही आत्मज्ञान है। अज्ञान क्या है, उसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है, ये अज्ञान है। उसको ये सम्मान मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ये अज्ञान है। उससे क्यों मिल रहा है, इसकी गहराई में आप जाते हैं, आज आप सुनेंगे वो विचार है। और विचार के बिना कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए 4 चीजों का होना परम आवश्यक है, जो आप 3 दिन पहले से सुन रहे हो, सम, संतोष, साधु संग और विचार। पूरा योग वासिष्ठ रामायण इन 4 के ऊपर टिका है, जो कि मोक्ष के द्वार, जिसको मोक्ष का द्वार कहा, चारों को मोक्ष का द्वारपाल कहा, इतने बजनी 4 शब्द हैं, पूरा ग्रंथ इसकी धुरी के ऊपर ऐसे घुमा है। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, रोज इस बात का अभ्यास कीजिए, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। जो पकड़ना है वो छूट जाता है, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको पकड़े बैठे होते हैं। तुलसी का दल रोज लेना चाहिए वो छूट जाता है, चाय छोड़नी चाहिए वो छूटती नहीं है। दूध पकड़ना चाहिए वो छूट जाता है, शराब नहीं पीनी चाहिए वो गले से लटकी रहती है। अज्ञान किसी गाय भैंस का नाम नहीं है। योग वासिष्ठ रामायण के माध्यम से सुनिए, जो छोड़ने के लायक है उसका हम विनियोग नहीं कर पा रहे हैं, वही अज्ञान है। और जो पकड़ने के लायक है उसको हमने स्वीकार कर लिया, बस वही ज्ञान है। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि मोह अज्ञान है राम। अंधकार में आदमी मोह निशा सब सुवनहारा, वो कहते हैं चराचर जगत में तुम्हें सब दिखाई दे रहा है राम, ये तो एक सोते समय जो स्वप्न आता है तब तक वो माला माल हो जाता है, कोठी बंगले स्वप्न में सब कुछ आनंद मनाता है, लेकिन जैसे जागा तो सब लुप्त हो जाता है। सोना अज्ञान है और जागना यही ज्ञान है। जब लोग जाग जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, जी हमारे पूर्वज भी तो, वो भी तो कुछ नहीं लेके जा पाए, अरे क्या ये सब ऐसा ही है,
ये कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही है। तो ये ज्ञान हमें आलसी नहीं बनाता, ये ज्ञान हमें प्रमादी नहीं बनाता। शांति ज्ञानी को मिलती है, इतना ध्यान रखिएगा। महाराज जनक ज्ञानी है और सीता शांति है, शांति की सीता जनक राजा के यहां प्रकट होती है। राजा जनक कौन है? जो वेदे हैं अपने देह से ऊपर उठ गए। जनक राजा वो हैं जिन्हें रोटी की चिंता नहीं है। जनक राजा वो हैं जिन्हें अपनी चिंता ही नहीं है बिल्कुल। जनक राजा वो हैं जो स्वप्न में भी कभी किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकते। और जब जीवन ऐसा बनता है तब शांति रूपी सीता वहां चल के आती है। राम को ग्रंथ में मोक्ष कहा गया, मोक्ष को बुलाना नहीं पड़ता। एक बार शांति रूपी सीता को आप प्रकट कर दीजिएगा तो कोई न कोई गुरु विश्वामित्र मोक्ष के प्रतीक भगवान परमात्मा राम को तुम्हारी देहली पर लेके आ